राजू यादव, ये बताएं कि किस समय लड़की टेम्पो में बैठी थी, आप उस समय कौन सी लोकेशन पर थे, कहां 12 बज के वो 1 बज के 5 मिनट पे बैठी थी। पर थे, कहां से पिक किया और उसके आगे का क्या घटनाक्रम था? हम अकबरपुर स्टैंड से चलते हैं तो 10 मिनट में गाड़ी वहां से चलती है, तो 5-7 मिनट आलापुर मोड़ खड़ी होती है, उसके बाद वहां से चलती है। फिर 1 बज के 5 मिनट के करीब वो लड़की वहां से बैठी और धवाला स्टैंड से 500 मीटर की दूरी पे 3 लेडीज सरकारी स्कूल धवाला स्कूल वहां से बैठी। फिर उससे आगे एक सवारी और बैठी थी सावड़ी से, फिर 5 सवारी उमरेन से बैठी थी। उसके बाद तो जब वो लड़की बैठी थी तो उसने बताया कि वो कहाँ जाना चाहती है कुछ, क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी, पर कुछ इशारे से कन्वे किया आपको? उन्होंने हाथ दिया था, रोड पे खड़ी थी तो हाथ दिया, मैंने रोक ली, वो बैठ गई। उसके बाद मैं चल दिया। फिर धवाड़ा स्कूल पे 3 सवारी और मिली थी लेडीज, वो टेम्पो में बैठ गई। उसके बाद एक सवारी सावड़ी मिली थी, अच्छा, फिर 5 सवारी उमरेन में मिली थी। कुल कितनी सवारियां थी गाड़ी में उस समय? 13 सवारी थी सर। और ये बताएं कि ये जो लड़की है मूक बधिर, वो कहाँ पर उतरी थी, कितनी दूर है वो जगह अकबरपुर से? 20 किलोमीटर है और वो मोनिया की प्याऊ उतरी थी। अच्छा, तो अलवर पुलिस ने आपको बुलाया था, क्या कुछ पूछताछ हुई आपसे, ये बताएं, क्या आपको हिरासत में लिया गया था पुलिस द्वारा? हाँ, मेरे को वहां बुलाया गया था। उसके बाद मेरे से पूछताछ की कहाँ से कितनी कितनी सवारी बैठी थी और कहाँ उतरी थी। तो ये कहा जा रहा था, पहले आपसे जब पुलिस ने बुलाया, आपने इस बात से इनकार कर दिया कि लड़की आप ही के साथ जिस गाड़ी में आप थे वो बैठी थी वहां पर, ऐसा क्यों किया आपने? मैं डर गया था सर, ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने उनको बोल दिया सर मेरी गाड़ी में बैठ के आई थी। ये जो पूरा कहा जा रहा है कि घटनाक्रम हुआ उस लड़की के साथ, कथित तौर पर बलात्कार की बात कही जा रही है, जी सर, तो क्या आपको लगता है कि कौन इस, क्या आपको लगता है कि कोई लोकल इसमें शामिल हो सकते हैं? सर मैं नहीं जानता किसी को, मेरे को अनुभव नहीं। अब अलवर की पुलिस रेप पर ही सवाल उठा रही है, लेकिन जयपुर के अस्पताल में पीड़ित का इलाज करने वाले डॉक्टर्स के दावे अलग। डॉक्टर अरविंद शुक्ला से आज तक नहीं बातचीत की। अलवर में मूक बधिर बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है और जिस तरह से बलात्कार किया गया है, दरिंदगी ही कही जा सकती है। हमारे साथ हैं जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक अरविंद शुक्ला जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बच्ची का क्या कंडीशन है अभी, क्या वो ठीक है, खतरे से बाहर है? बच्ची अभी स्टेबल है, उसको ऑपरेट कर दिया गया है, वो खतरे से बाहर ही है और कंफर्टेबल है, रात में अच्छी तरह से सोई है और उसकी देखभाल पूरी तरह से की जा रही है। तो जिस तरह का ऑपरेशन आप लोगों ने किया, जिस तरह से बचाया, क्योंकि अलवर में जिस समय ये घटना हुई हमें पता चला कि ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, किस हालत में आई थी और कितना मुश्किल था आप लोगों के लिए? बच्ची हमारे पास आई थी तब शॉक में थी, वहां पे शायद काफी ब्लीडिंग हुई होगी, उन लोगों ने शायद ब्लड भी चढ़ाया था। यहाँ आने के बाद हमने उसको रिससिटेट किया, ब्लड चढ़ाया, आईवी फ्लूड लगाए, उसके बाद बच्ची स्टेबल हो गई थी और जो वुंड ब्लीड कर रहे थे उनको भी पैक किया गया, तो बच्ची उसके बाद 10-11 बजे तक स्टेबल हो गई थी। उसके बाद उसको सर्जरी के लिए लिया गया, उसके जो भी वुंड्स थे उनको रिपेयर किया गया और एक रास्ता पेट पे बनाया गया लेटरिन के लिए, ताकि उसको बाईपास किया जा सके, और रिपेयर अच्छी तरह से कर दी गई है और ठीक होने की उम्मीद है। क्या जिस तरह की दरिंदगी सामने आई है, आपने भी इतने दिनों तक चिकित्सा क्षेत्र में रहे होंगे, क्या इतना जघन्य इस तरह की वारदात आपने देखा होगा कि कहा जा रहा है नुकीली वस्तु से भी वार किया गया? देखिए, वार किया गया नहीं किया गया इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता आपको, क्योंकि वुंड तो थोड़ा ज्यादा ही खराब तरह का था। बाकी क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये पुलिस और मेडिकल जुरिस्ट मिलके तय करेंगे। वुंड को अच्छी तरह से रिपेयर कर दिया गया, पेट पे लेटरिन का रास्ता बना दिया गया और बच्चा अभी कंफर्टेबल है। कितने घंटे लगे, बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा देर लगा और बड़े संख्या में डॉक्टरों की टीम आपने लगाई थी? जी, 7-8 डॉक्टरों ने मिलके उसको किया, जिनमें प्लास्टिक सर्जन थे, गायनी के लोग थे, और 2.5 घंटे के करीब सर्जरी चली और अच्छी तरह से सर्जरी का काम पूरा किया गया और बच्चा उसके बाद कंफर्टेबल है, तब से अभी तक स्टेबल है। आप
मूकबधिर बच्ची है, ये ट्रॉमा एक शौक भी होता है, तो उसको लेकर भी अब धीरे धीरे आप लोग क्या उसको किसी शौक से बाहर निकाले हैं, इसके लिए भी कुछ कोशिश कर रहे हैं? हाँ, उसके बाद हमने चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की भी मदद ले रहे हैं, साइकेट्रिस्ट को भी मैटर रेफर किया है, और बच्ची बोल नहीं पाती है और थोड़ी मेंटली भी चैलेंजिंग है, तो साइकेट्रिस्ट उनका इवेलुएट कर रहे हैं और उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उनके मदर फादर है यहाँ पर, उनसे बातचीत हो रही है आप लोगों की? हाँ, मदर फादर से हम लगातार संपर्क में हैं और वो अच्छी तरह से यहाँ पे उनकी देखभाल में लगे हुए हैं।